हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्याघातक अनुभव क्या है। तो आज तक जो बात सत्य होती आई है और उसका कोई भी विरोधी उदाहरण नहीं मिला हो, तो विरोधी उदाहरण का नहीं मिलना अभ्याघातक अनुभव कहलाता है, और जिसके सहारे अनुमान कर लिया जाता है कि यह बात भविष्य में भी सत्य होगी। जैसे सभी कौए काले होते हैं, तो यह जो निष्कर्ष है अभ्याघातक अनुभव पर आधारित है, क्योंकि यह प्रकृति समरूपता नियम के अनुसार यह संभावना रहती है कि भविष्य में सभी कौए काले होंगे। परंतु इस निष्कर्ष के साथ कारण कार्य नियम नहीं होने के कारण इसे सत्यापित नहीं हो पाता कि भविष्य में कौआ का निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। तो अभ्याघातक अनुभव पर आधारित निष्कर्ष की सत्यमय निश्चित नहीं रहने के कारण इसे अवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक निष्कर्ष जो होता है उसमें सत्यता में निश्चितता रहती है। जैसे अभी मान लीजिए कि प्रकृति समरूपता नियम का अर्थ होता है कि समान परिस्थिति में समान घटना घटेगी। जैसे अभी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, फिर जाड़ा के बाद गर्मी, फिर बरसात। तो ये जो नियम है सो प्रकृति समरूपता नियम के आधार पर है कि आज जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो कल भी ऐसे ही लगाएगी, तो ये परिवर्तन ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन मे भी कि अगर पृथ्वी अपने धुरी से उल्टा घूमने लगे या भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो ऋतु परिवर्तन में अंतर हो जाएगा, दिन रात में भी अंतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभ्याघातक अनुभव की जिसका विरोधी आज तक नहीं मिला हो, यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दो दिन रात है तो दो दिन दिन, हमेशा दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, तो इसे ही हम अभ्याघातक अनुभव कहते हैं। और इसी आधार पर हम यह निष्कर्ष स्थापित करते हैं या किसी को बतलाते हैं कि अभी दिन है उसके बाद रात होगा, रात के बाद दिन होगा। तो वैज्ञानिक निष्कर्ष में, लेकिन इसमें कार्यकारण नियम का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्यकारण नियम नहीं होता है और वैज्ञानिक नियम में कार्यकारण नियम होता है, जिसके कारण वैज्ञानिक निष्कर्ष निश्चित होता है और वो सभी कालों के लिए सत्य होता है। जैसे न्यूटन ने आज से बहुत साल पहले यानी कहला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जिसके कारण सभी चीज़ें जो है सो पृथ्वी की ओर खींचती है, पृथ्वी उसको अपने ओर खींचती है, जिसके कारण कभी भी कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आके गिरता है। तो ये जो सत्यता है वो आज से कितने साल पहले इसका स्थापना ये निष्कर्ष निकला और आज तक भी इस बात को सत्य माना जा रहा है। लेकिन अभ्याघातक अनुभव जो है सो भविष्य में सत्य होगा कि नहीं, इस पर निश्चितता नहीं बनी रहती है। ये है आपका। अब आ जाइए कि यथार्थ वाक्य किसे कहते हैं, यानी रियल प्रोपोजिशन क्या है। तो इसका आंसर है कि वह सामान्य या व्यापक वाक्य जो उद्देश्य पद की गुणवाचकता को प्रकट नहीं करता है, बल्कि उद्देश्य के संबंध में नया ज्ञान देता है, उसे हम यथार्थ वाक्य कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मिलनशील है, तो इसमें सभी मनुष्य विवेकशील है, क्योंकि मनुष्य में विवेकशीलता पाई जाती है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में सभी मनुष्य मरणशील है, यह एक यथार्थ वाक्य है, क्योंकि इसका विधेय मरणशीलता अपने उद्देश्य के संबंध में नया ज्ञान देता है,
बल्कि दूसरा जो विधेय है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसमें विधेय जो विवेकशीलता है वो उद्देश्य पद में मनुष्य में ही निहित होता है और उसकी गुणवाचकता मनुष्य पद में ही निहित रहती है, इसलिए वो कोई नया जानकारी नहीं देता है, क्योंकि विवेकशीलता जो है सो मनुष्य का सामान्य और सार गुण है। तो ये इस तरह को हम यथार्थ वाक्य हम कहते हैं। ये सब आपका जो आंसर है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद से आप क्या समझते हैं, अब पद और शब्द में क्या अंतर है। तो वे शब्द या शब्द समूह जो स्वतंत्र रूप से किसी भी वाक्य के उद्देश्य और विधेय होने की क्षमता रखते हैं उसे हम पद कहते हैं। और जैसे जवाहरलाल बोरे हैं तो जवाहरलाल वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः जवाहरलाल शब्द और पद दोनों है। अब आ जाइए कि शब्द और पद में अंतर क्या है। सभी पद शब्द हैं लेकिन सभी शब्द पद नहीं होते। दूसरा जिसमें आपको हम बतला दें, ऐसे मैंने जब क्लास लिया था तो उस समय बतलाया था कि इच्छार्थक वाक्य, आज्ञा सूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं सो वो शब्द की गिनती में आते हैं लेकिन पद की गिनती में नहीं आते हैं। इसको मैंने आपको जो क्लास में जो वीडियो डाला है उसमें डिटेल में बतला दिया है, आपको देख लीजिएगा। तो इच्छार्थक जैसे कोई अपनी इच्छा को प्रकट करता है, प्रश्नवाचक जैसे कोई अपने प्रश्न पूछता है, विस्मयादि बोधक जो अपनी भावनाओं को जैसे कभी कोई घटना घटती है अरे, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो पद हैं लेकिन शब्द नहीं है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट कि पद का प्रयोग अनुमान में होता है और इसका अर्थ निश्चित होता है लेकिन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तीसरा पॉइंट है पदों द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है लेकिन शब्द द्वारा विचार, भावना, संवेग को व्यक्त किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी इच्छा को प्रकट करना, किसी को आज्ञा देना, किसी से प्रश्न पूछना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, वे सभी जो हैं सो शब्द में आते हैं लेकिन पद में नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पद जो है सो अनुमान है और शब्द जो है सो व्याकरण की इकाई है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पद का क्षेत्र शब्द से कम है, यानी पद का जो क्षेत्र है वो शब्द की अपेक्षा कम व्यापक है, यानी कम फैला हुआ है। तो ये है आपका पद और शब्द में अंतर और व्हाट इज टर्म या पद किसे कहते हैं, इसका शॉर्ट आंसर है। और इसका लॉन्ग आंसर भी मैंने बताया है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि सिद्ध करें कि प्रत्येक न्याय में तीन पद होते हैं, ना तीन से अधिक ना तीन से कम। तो यह तर्क के लिए मान लें कि न्याय में तीन पद हैं और यह पद कम से कम तीनों यानी दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष मिलाकर प्रत्येक पद जो है सो दो दो बार व्यवहार में आता है। और तो यदि किसी अनुमान में तीन से कम पद हैं, दो पद है, तो वह न्याय ना होकर साक्षात अनुमान हो जाता है। और यदि चार पद है तो उसमें चतुष्पदी दोष आ जाता है। तो किसी भी न्याय में सिर्फ तीन वाक्य पद होते हैं, बृहत पद, लघु पद और मध्यम पद। बृहत पद को इंग्लिश में मेजर प्रेमिस बोलते हैं, लघु पद को माइनर प्रेमिस बोलते हैं और मध्य पद को मिडिल टर्म हम बोलते हैं। मिडिल पर एक माध्यम का कार्य करता है, यानी वो लघु पद और विधेय पद में संबंध स्थापित वो करता है। बृहत वाक्य में भी मिडिल टर्म होता है और लघु वाक्य में भी मिडिल टर्म होता है। तो बृहत पद को एक बार मध्य के संबंध स्थापित करता है और फिर वो लघु पद से संबंध स्थापित करता है। तो यानी मिडिल टर्म जो है सो बृहत पद और लघु पद में निष्कर्ष को हम निकालते हैं, तो उसमें निष्कर्ष में मिडिल टर्म नहीं होता है, सिर्फ बृहत पद और लघु पद में हम संबंध को दिखाते हैं।
तो इस तरह से प्रत्येक न्याय में केवल तीन पद ही होते हैं, न तीन से अधिक होगा तो साक्षात सॉरी तीन से अधिक होगा तो चतुष्पदी दोष आ जाएगा, और तीन से कम यानी दो पद होगा तो वो साक्षात अनुमान का रूप होगा, न कि न्याय का रूप होगा। और है तो इसमें ऐसे अगर मान लीजिए मध्यम पद का द्विव अर्थ हुआ तो मध्य पर मध्य पद द्विव अर्थिक दोष आ जाएगा, यदि बृहत पद का दो अर्थ हुआ तो बृहत पद का दोष आ जाएगा। तो इस तरह से अनुमान में जैसे मान लीजिए कि ऑल पेजेस आर इंडियन, ऑल बुक्स मेड ऑफ पेजेस, देयरफॉर ऑल बुक्स आर इंडियन, तो इस अनुमान में चार पद हैं। यहाँ पेजेस मध्यवर्ती पद है जिसके दो अर्थ हैं, बृहत वाक्य में इसका अर्थ नौकर है और लघु वाक्य में इसका अर्थ पन्ना यानी कागज है, तो इसलिए यहाँ चतुष्पदी दोष हो जाता है और यह दोष मध्यवर्ती पद के दो अर्थ के कारण हुआ है। अब यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसके आगे का लाऊंगी। थैंक यू।